हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई एस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूज़पेपर फॉर फोर्थ ऑफ जनवरी 2021 तो 2021 में फोर्थ जनवरी को आज के न्यूज़पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है लेट अस सी फर्स्ट अ वेरी गुड न्यूज इंडिया अप्रूव्स टू कोविड नाइनटीन वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज दो वैक्सीन्स हैं जो इंडिया ने इंडिया के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर ली हैं फर्स्ट इज़ द कोविशील्ड वैक्सीन जिसे डिवेलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विच इज़ बेस्ड इन पुणे और ये किस मॉडल पे बेस्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन द एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन तो पहली वैक्सीन है कोवैक्स कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने डिवेलप की है इन पार्टनरशिप विद ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका और दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सिन जिसे डिवेलप किया है भारत बायोटेक ने इन collaboration विद आई और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तो ये दोनों वैक्सीन के नाम और किस किसने डेवेलप किए हैं यू शुड नो एंड दिस अलाउज दैट द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स एंड दोज एट द फ्रंट लाइन इन मैनेजिंग द वायरस दे विल बी कवर्ड फर्स्ट सबसे पहले उन लोगों को एडमिनिस्टर की जाएगी जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हु आर एट द फ्रंट लाइन ऑफ हेल्थ केयर सो इट्स अ गुड स्टेप इसमें जो इशू है वो ये है विच यू शुड कीप ट्रैक ऑफ ये कुछ केसेस में थर्ड फेज़ ट्रायल्स भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं थर्ड फेज़ ट्रायल्स अभी चल रहे हैं और उसका डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है एंड अनलेस वी हैव थर्ड फेज ट्रायल डेटा विद अस वी कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट शोर दैट दीज वैक्सिन विल नॉट हैव अ लॉन्ग टाइम सीरियस इम्पैक्ट तो इसमें जो आज द हिंदू मेरिटोरियल आया है उसमें भी डिस्कस किया गया है दैट वी आर हरिंग इट अप अ बिट बट वी शुड नॉट हरी इट अप टू अ लेवल वेअर सीरियस साइड इफेक्ट्स कैन बी शोन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो ये ध्यान में रख कर ही इसको जो है वो लॉन्च किया जाना चाहिए दैट इज़ एन एडिटोरियल अबाउट इट सेकेंड ये न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है गवर्नमेंट रोप इन आई टी डिपार्टमेंट टू क्रैक डाउन ऑन जी एस टी फ्रॉड तो ऐसा देखने में आया है कि कुछ सात हज़ार ऐसी कंपनीज़ हैं विच हैव बिन फाउंड टू बी फ्रॉड कंपनीज़ तो ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज़ एग्जिस्ट कर रही हो सकती हैं जो कि फेक जी एस टी इन्वाइसिस को जनरेट करके जी एस टी बचा रही थी सो दे आर एक्चुअली लाइक दे आर लॉन्ड्रिंग द मनी यू कैन से और दे आर दे आर इवेडिंग द टैक्सेस दे आर टैक्स इवेडिंग एक्चुअली तो उन पर क्रैकडाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को uh, रोप इन किया है एंड इट रिमेन्स टू बी सीन वैदर दोज एब्सकॉन्डर्स कैन बी ब्रॉड टू बुक और नॉट तो ये जी में जब भी हम जी को पढ़ते हैं जी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेटेस्ट इश्यूज़ रिलेटेड टू जी जैसा कि अभी दो तीन महीने पहले बहुत न्यूज़ में रहा अबाउट द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट तो जो सेंटर स्टेट को एक कॉम्पेंसेशन uh, देती थी और यू कैन से एक तरह से जो जो शॉर्टफॉल uh, है जीएसटी का ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट्स उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सेंटर ने उसको कुछ कॉम्पेंसेशन देने का प्रॉमिस किया था फॉर द फर्स्ट फाइव ईयर्स एंड नाउ दिस ईयर इट कुड नॉट बी डन प्रॉपरली तो स्टेट्स को बोरोइंग ऑप्शन दिया गया दे हैव टेकन इट तो उस वजह से भी न्यूज़ में था सो इन अ होल ये भी पॉइंट आपका वहीं पर ऐड हो जाएगा दैट वट आर द प्रॉब्लम्स दैट जी एस टी इज फेसिंग एंड हाउ टू करेक्ट दैन तो इंडियन इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से आपको ये न्यूज पढ़नी है देन लेटस मूव ऑन टू द एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज पर जो पहला एडिटोरियल है हर इड गैम्बल ये इसी बात के ऊपर है कि जब तक फेज थ्री ट्रायल्स का डेटा uh, हमारे पास नहीं आ जाता तब तक इट इज़ अ गैम्बल इफ़ यू एक्चुअली रोल आउट द वैक्सीनेशन प्लान बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्लान इन द वर्ल्ड एंड इन इंडियाज़ हिस्ट्री एज वेल तो इसीलिए डी सी जी आई उसे तब तक अप्रूवल नहीं देनी चाहिए जब तक कि वन हंड्रेड परसेंट जो उसका वेरासिटी uh, है वो टेस्ट नहीं हो जाती द रिस्क एसोसिएटेड विद इट ये सारा कुछ इस सेटोरियल में डिस्कस्ड है सो यू हैियल सेकेंडली अ टॉर्चुअस रिकवरी ये भी उसी से जो सेकेंड न्यूज है उससे मिलता जुलता आर्टिकल है कि जो uh, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट फॉर डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी द कलेक्शन ऑफ जी एस टी हैज बिन एट अ रिकॉर्ड हाई वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ रुपीज का जी एस टी कलेक्शन हुआ है विच शोज दट द इकोनॉमी इज रिकवरिंग एट अ वेरी हाई पेस तो उसको आपने यहाँ पर Uh, पढ़ना है दिस पर्टिकुलर आर्टिकल यू हैव टू स्टडी वट डज इट इंडिकेट अबाउट द इकॉनमी एंड हाउ शुड इंडिया टेक इट कि अगर इंडिया से ऐसे मान ले दैट दिस इज़ वी शेप्ड रिकवरी दैट वी आर एक्चुअली कमिंग आउट क्वाइट वेल आउट ऑफ दिस लॉकडाउन एंड द रिजल्टेंट इकोनॉमिक डिजास्टर तो इसको कैसे लिया जाना चाहिए एंड हाउ द पॉलिसी मेकर्स शुड अप्रोच दिस पर्टिकुलर थिंग कि जी एस टी कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे चल रही है इज़ इट बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन और इज इट बिकॉज ऑफ़ द एक्चुअल रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी और अगर ये एक्चुअल रिकवरी है

On page number 12 page number 12 the Hindu, FSSAI slashes limit for trans fat levels in foods. लेवल्स इन फूड्स तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने खाने में जो ट्रांसफैट का लेवल होता है उसकी लिमिट जो है वो कम कर दी है ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल साढ़े पाँच लाख के करीब लोग मरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द फूड तो एफ एस एस सी आई ने इसके ऊपर एक कैप लगा दिया है जो कि थ्री परसेंट होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए और टू परसेंट होगा टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए तो so, जितने भी फूड्स uh, जो हैं उसमें फैटी एसिड जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तीन परसेंट इज द अपर लिमिट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड उससे उससे अगले साल इसको और कम करके दो परसेंट पर लेके आना पड़ेगा बिकॉज इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हार्ट डिजीजेज़ कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज एंड लाइफ स्टाइल डिजीजेज बिकॉज ऑफ़ द हाई कंटेंट तो ये न्यूज आपको पढ़नी है दिस यू हैव टू डू देन वैक्सीन से मिलती जुलती एक न्यूज है आर्टिकल सॉरी पेज नंबर थर्टीन पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अभी तक जो दो वैक्सीन डिवेल uh, जो अप्रूव की गई हैं दोज आर बेस्ड इन दो इंडियन इंस्टीट्यूट एंड ऑक्सफोर्ड जो दो और वैक्सीन अभी पाइपलाइन में हैं एक फाइजर डिवेलप कर रही है और एक मॉडर्ना ये दो कंपनीज़ डिवेलप कर रही हैं तो अगर इन्हें अप्रूवल मिल जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रोल भी क्लियर हो जाएगा बेसिकली ये पूरी पॉलिसी ही अभी बननी बाकी है कि इन वैक्सीन्स को क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा या नहीं या फिर ये सिर्फ इंडिया में ही अब फिलहाल के लिए यूज़ होंगी बिकॉज इंडिया हैज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर वैक्सीन कंसिडरिंग द पॉपुलेशन उसके बाद क्या इसे प्राइवेट ट्रेडर्स को भी प्रोवाइड कराया जाएगा या सिर्फ 100 परसेंट गवर्नमेंट कंट्रोल रहेगी ताकि होर्डिंग वगैरह ना हो पाए एंड इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ फिक्सिंग अ कॉस्ट ऑफ इट ताकि इसकी जो भी है ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ना हो सके सो इट रिमेन्स टू बी सीन ये सारी बातें अभी डिसाइड होनी बाकी हैं एंड दे विल बी डिसाइड इन डे और टू द प्राइम मिनिस्टर हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड द साइंटिस्ट कि उन्होंने बहुत जल्दी ये वैक्सीन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर ली हैं सो दिस डेज इज़ आर द डोमिनेटिंग न्यूज़ ऑन पेज नंबर फोर्टीन चाइना इज़ बैक इन न्यूज़ अगेन तो चाइना ने अपना डिफेंस लॉ अमेंड कर लिया है और प्रेजिडेंट शी जिनपिंग को एक्स्ट्रा पावर्स दे दी हैं ताकि वो मिलिट्री रिफॉर्म्स कर सकें और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को बूस्ट कर सके सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर स्टिल एट कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न लद्दाख गलवान वैली में गोगड़ा में दैन हॉट स्प्रिंग्स पे दैन य पेंगोंगसो लेक हर जगह पर अभी तक जो टसल है वो चल रही है दे आर एट अव एक्चुअली फ्रोजन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ जहाँ पे पोजिशन है वो वहीं पर फ्रीज़ हो गई हैं फिलहाल के लिए एंड द वैदर इज एट इट्स वर्स्ट राइट नाव तो आई डोंट थिंक एनी न्यू नेगोसिएशन इज़ हैपनिंग और देर इज़ अ चांस ऑफ अ ब्रेक थ्रू सो फॉर नाव हमारे लिए यही न्यूज इंपॉर्टेंट है कि चाइना अपनी तरफ से वॉर प्रिपेयरनेस बढ़ा रहा है एंड दे हैव देयर लॉ एज वेल फॉर द पर्पस तो ये आपको पढ़ना है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय चाइना और कैसे शी जिनपिंग को ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं इंपॉर्टेंट वी हैड ऑलरेडी कवर्ड ब्रेग्जिट देन ये एक न्यूज है इराक रैली मार्क्स फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ सोलेमनीज किलिंग तो ये मिडल ईस्ट और यूएस रिलेशंस को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ईरान के बहुत बड़े मिलिटेंट लीडर थे कासिम सोलेमनी एंड ही वाज असेसिनेटेड बाय यूएस एस वन ईयर बैक पिछले साल जनवरी में ही वाज असेसिनेटेड तो उनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी उनकी किलिंग की मनाई गई है एंड ही वॉज अ वेरी वेरी रिव्यर्ड लीडर इन ईरान एंड इन दर मिडल ईस्ट तो इराक में भी उनके लिए रैली हो रही है सो द थिंग इज दैट इट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैज़ एक्चुअली सोड द रिलेशंस बिटवीन ईरान एंड यूएसए And this relationship is very crucial if the joint comprehensive plan of action the Iran nuclear deal. Kehte hain, usse achhe se work karna hai, then these relations are very important. And relations and they are at their bottom. Because Iran has already withdrawn from the Iran nuclear deal. They have started building their reactors, they have started enriching the uranium fuel to the level where it can be used to produce uh, weapons. Or the US ne bahut pehle hi Iran nuclear deal se withdraw. Kar However, there are hopes that after the election of the new U.S. president, Mr. Joe Biden, the things will take a turn for the good. It remains to be seen whether JCPOA will be resurrected or whether these two countries will be at a new front of war, because this will have an impact not only on these countries but on the entire globe, including India. India and these two countries' are good, Iran or the U.S. Ho. and any conflict between this, these two countries has an adverse impact on India as well. India has been one of the largest importers of crude oil from Iran or uske bahut sare advantages but now under the us pressure under the sanctions on Iran humne kafi bar us crude oil supply ko kam and now we are also tired of uh, you know confirming to the standards set by us the latest in that being the cartsa law latest in that series is the cartsa law countering americas adversaries through sanctions act तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया ईरान और रशिया इन तीनों के साथ कोई भी कंट्री अगर कोई ट्रेड या कोई डील साइन करती है देन उस कंट्री के ऊपर अमेरिका सेंक्शन लगा सकता है एंड कंसिडरिंग कि इंडिया इन तीनों कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन रखता है नॉट विद नॉर्थ कोरिया विद ईरान एंड विद रशिया इंडिया हैज़ गुड रिलेशन तो ईरान से अगर हम ऑयल परचेज़ करेंगे सेंक्शन का जो है वो बायकॉट करेंगे तो हमारे ऊपर अमेरिका सेंक्शन लगा सकता है और अगर हम रशिया के साथ कोई डील करते हैं जैसे कि हमने एस फोर हंड्रेड मिजाइल सिस्टम्स की डील की है सो देन ऑल्सो वी आर अंडर द स्कैनर ऑफ अमेरिकन अथॉरिटीज़ तो ये सारे एंगल्स इम्पैक्ट होते हैं इफ़ यू एस ईरान रिलेशन आर बैड एंड फॉर अ ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड दिस इज नॉट अ गुड सिनारियो वेयर अ रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर यानी कि ईरान न्यूक्लियर डील एक बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद साइन की गई थी एंड इट इज़ अ properly legally valid treaty and if some country unilaterally withdraws out of the deal that does not bode well for a rules-based global order and India has always stood for a rules-based order so in context of that aquayi situation pata honi next coming to the uh, Indian Express,

These are all regional pages which we can skip. We move to the explained page. So explained page mein aaj kuch bahut special hai. Sports without the crowds. You can skip this. And then there is uh, why Congress wants to revisit lessons from Panchamudi. You can skip this. So come to page number 10, the editorial page. Isme, uh, there is one editorial that you have to read. Yes, starting from the bottom. so on uh, editorial page you have this article today starting from the bottom election of a large number of MG Narega workers to local bodies in Kerala is a hopeful sign of political renewal to ye bahut acha ek article likha hai jisme ye bataya gaya hai ki केरला में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं उसमें काफी सारे MG Narega workers जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं so that shows the level of empowerment that those people have achieved and it's a very good thing that people who are so marginalized that they cannot even get employment and they are enrolled under the narega like program and those people are getting elected they are getting politically represented in under the democratic system that india offers a news item you can somewhere, somewhere local self -government. or you can uh, put it under the models the development models it may be um means examine this is a topic that uh, models जहाँ पे भी कोई एक ऐसी आइडियल चीज़ होती है यू कैन इट एल्सवेयर सो दिस इज लाइक अ केरला मॉडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देन यूपी के एंटी कन्वर्जन लॉ के ऊपर ये आर्टिकल है स्ट्राइक अगेंस्ट फ्रेटर्निटी इसे आप पढ़ सकते हैं यूपी एंटी कन्वर्जन लॉ ओवरटर्न सोशल कल्चर ऑफ लॉ मेकिंग इन मॉडर्न इंडिया उसको क्रिटिसाइज किया गया है तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं world page pe we have already done the news of china and uh, that's basically it. on the economy page we have done the uh, gst news already in the hindu and uh, yes this is uh, important news. on page number 13 after worst year airlines await revival government to push air india airports privatization. so economic perspective say disinvestment may privatization may take important news ho sakti hai. कि इस साल एयरलाइंस का बिजनेस जो था इट हैज़ सीन इट्स वर्स्ट ईयर इन सो मेनी ईयर्स बिकॉज ऑफ़ द कोविड एंड इट्स लॉकडाउन तो इस वजह से इस साल गवर्नमेंट अब सोच रही है कि कैसे वो अपने जो फाइनेंसिस हैं उसको भी बूस्ट अप कर सकती है और कैसे इस पूरे सेक्टर को भी रिवाइव कर सकती है तो जो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम है विच हैज़ बिन पेंडिंग फॉर सो मेनी मंथ्स नाउ दैट कैन गेट अ बूस्ट एंड सेकेंडली द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स कैन गेट अ बूस्ट काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेटाइज किए जा सकते हैं काफ़ी सारे जो पाइपलाइन में हैं वो तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं एंड जो बाकी रहते हैं दे कैन ऑल्सो गेट अ बूस्ट अप थर्डली आपको एक बात ध्यान रखनी है दैट बाई डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी बाई द एंड ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी पूरे साल का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था उसका वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव परसेंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं दैट मीन्स विद इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स जब तक ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं होता द गवर्नमेंट विल हैव टू बूस्ट अप इट्स रेवेन्यू दैट कैन बी डन आइदर बाय डिस इन्वेस्टमेंट और बाय दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स और बाय द रूल आउट ऑफ फाइव जी तो देखना यह है कि गवर्नमेंट इनमें से कौन सा स्टेप लेती है बिकॉज इन द लास्ट टू थ्री मंथ द ईयर गवर्नमेंट यूजअली गोज फॉर डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन और द सेलिंग ऑफ सम स्पेक्ट्रम और सम नेचुरल रिसोर्स सो दैट द एंटायर ईयर्स रेवेन्यूज कैन बी स्प्रूस्डअप ताकि जो फिजिकल डेफिजिट है वो एक लिमिट से ज़्यादा बाहर ना जाए सो दीज आर ऑल द न्यूज़ दैट यू हैव टू रीड इन द न्यूज़ पेपर टूडे इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल ऑल्सो सब्सक्राइब टू द डेली कार्पेडियम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सो इन योर ई मेल यू कैन गेट डेली अ जिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स दैट यू हैव टू रीड एंड यू कैन रीड रीड दैम फ्रॉम अ सिंगल सोर्स सो डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द डेली कार्पेडियम हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू एंड हैव अइस डे